हेलो एवरीवन। सो गाइस, आई ट्रस्ट कि आप लोगों का डाइट प्लान और वर्कआउट वीडियोस के साथ बहुत ही अमेजिंग फिटनेस जर्नी चल रही है, जैसा कि हमारे क्लाइंट्स कर चुके हैं अभी तक 5 to 6 kg वेट लॉस। जी हाँ, तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से कर दीजिए और स्टार्ट कीजिए day 1 से। तो आज का डाइट प्लान, आज के दिन की शुरुआत करनी है आपको 1 ग्लास गुनगुना पानी, जिसमें आपको डालना है 1 चम्मच 5 ml एलोवेरा जूस एंड 1 चम्मच आंवला जूस। इसको आपको आराम से बैठ के सिप सिप करके पीना है, 1 ग्लास गुनगुना पानी आंवला एंड एलोवेरा के साथ। उसके बाद आ जाते हैं आपके ब्रेकफास्ट पे। आज आपको ब्रेकफास्ट पे लेना है सोया काठी रोल। सोया काठी रोल की जो रेसिपी है वो आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो ध्यान रखिएगा, जो सोया काठी रोल में आप जो सोया की स्टफिंग है उसके लिए या तो आधा चम्मच देसी घी का इस्तेमाल करेंगे या फिर आप यूज करेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। और सोया की जो भुर्जिया आप इसमें बनाने वाले हैं उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स को यूज करना है आपको। साथ में आप उसमें थोड़ा सा अनियन और घर की बनी हुई धनिया पुदीने की चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहुंचते हैं आपके मिड मील की तरफ। मिड मील में आपको लेना है 12 से 12:30 के बीच में 1 ग्लास छाछ, छोटा कांच का ग्लास, जिसमें आप थोड़ा सा एक चुटकी भर काली मिर्च और भुना हुआ जीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, नमक का इस्तेमाल थोड़ा सा कम। बिफोर लंच, जैसा कि हमारे सब डाइट प्लान्स पे आपको दिया गया है, तो आपको अपना लंच करना है 2:30 बजे 2 बजे के आसपास। आपको लेना है 1/4 प्लेट ऑफ सैलेड, जिसमें आप अपनी फेवरेट चीजों को ऐड कर सकते हैं। और मैं फिलहाल आपको मौसम के हिसाब से रेकमेंड करूंगी आधा टमाटर, आधा कुकम्बर और आधा चुकंदर, बीट रूट। तो इसको आपको लेना है अपने लंच से आधा घंटा पहले। लंच में आज आपको लेना है 1 कटोरी वेजिटेबल खिचड़ी, जिसमें कि आपको बहुत सारी सब्जियों का इस्तेमाल, चावल का इस्तेमाल कम और दाल का इस्तेमाल ज्यादा करना है। उसके साथ आप कोई भी घर में बनी हुई हरी सब्जी, जैसे कि कद्दू की सब्जी, घिया की सब्जी, दाल पालक ले सकते हैं या फिर राजमा और चना की सब्जी, एक मीडियम बाउल, साथ में आधी कटोरी दही। लंच के हाफ एन आवर के बाद आपको लेना है 1 कप ग्रीन टी। आज की आपकी जो इवनिंग स्नैक्स है उसमें आपको लेना है स्मॉल साइज ऑफ एक मौसम्मी और उसके साथ ग्रीन टी। पहुंचते हैं आपके डिनर में। आज के डिनर में आपको लेना है सिर्फ 1 ग्लास दूध। और ध्यान रखिएगा कि अगर किसी को भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है तो आप ले सकते हैं दूध के साथ 1 चम्मच इसबगोल, और यहाँ पे आपका दिन हो जाता है फिनिश।